अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं बेसन चना की रेसिपी। बहुत ही यम्मी रेसिपी है, हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। तो ये देखिए, ये है पाव किलो चना, ब्लैक चना होता है, उसे हमको रात भर भिगा देना होता है और उसमें एक गिलास पानी और थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर उसे उबलने रखना होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, खटास के लिए मैंने थोड़ी सी इमली ली है और थोड़ा सा कोकम। इमली और कोकम दोनों चीज़ें हम लेंगे क्योंकि दोनों की खटास अलग होती है, इसलिए दोनों चीज़ों को लेकर धोकर भिगा लेना है। एक तरफ हमें लेना है सिर्फ 2 टेबलस्पून बेसन, बेसन ज़्यादा नहीं लेंगे, पाव किलो में हम सिर्फ 2 टेबलस्पून लेंगे, ठीक है? तो 2 टेबलस्पून ले लेना है बेसन और उसे इस तरह 1 कप पानी में अच्छी तरह घोल लेना है। जो भी लम्स है, जो भी इसमें लम्स पड़ रहे हैं, तो वो उसे अच्छी तरह हमें स्पून से हिला हिला कर अच्छी तरह घोल लेना है। बिल्कुल ही स्मूथ स्लरी देखिए इस तरह से रेडी करना है। और चने जो है वो हमने नमक और हल्दी डालकर बॉईल करने के लिए रख देना है, ठीक है? तो पाव किलो चने में हमें 1.5 गिलास पानी डालकर उसे बॉईल कर लेना है 4 सीटी कुकर में, ठीक है? अब ये देखिए, ये बघार है चने का, तो इसमें खूब सारे लहसुन हमें बारीक काट कर लेना है और 2 चम्मच बड़ा, 2 चम्मच जीरा, ठीक है? और ये देखिए, ये हमने इमली और कोकम को पीस लिया है, भिगा कर रखा था हमने 5 मिनट, उसके बाद हमने इसे पीस लिया है, ठीक है? कोकम और इमली दोनों भी चीज़ें हमको ले लेनी है इसमें। और अब ये देखिए, एक जो चने हमारे उबल गए थे तो मैंने पतीली में उसको उलट दिया है और गैस हमारा ऑन है मीडियम फ्लेम पर। गैस मीडियम से भी लो फ्लेम पर आपको इस वक्त रखना है और चने के साथ जो पानी है उसके साथ ही उसको पतीली में आपको शिफ्ट कर देना है, ठीक है? और मीडियम टू लो आँच पर इसे पकने रखना है, ठीक है? ये देखिए, इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो पानी था वो उसके साथ ही हमने पतीली में शिफ्ट किया है। अब देखिए, जो हमने बेसन घोल कर रखा था, चने के अंदर ऑलरेडी नमक और हल्दी तो है, तो इसीलिए ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बेसन अभी ऐड करेंगे, ठीक है? ये बहुत ही अलग और बहुत ही यम्मी चने बनते हैं, हमारे यहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं, हमारे घर में सबकी फेवरेट है, तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक तरफ बघार के लिए हमने लहसुन और जीरा की क्वांटिटी बहुत सारी होनी चाहिए क्योंकि ये बघार बहुत यम्मी लगता है, तो ये इसमें कमी मत करिएगा। ये खूब सारा बघार आप एक तरफ रेडी करिए और एक तरफ हमारा जो चना है वो बेसन के साथ पक रहा है, ठीक है? अब चना, बेसन जो है वो कच्चा है, तो उसे 20 मिनट तक हमें मीडियम टू स्लो आंच पर पकने देना है और हिलाते रहना है, ठीक है? तो इस तरह हम चलाते रहेंगे इसे ताकि ये बेसन जो है वो नीचे से लगने ना लगे, जल ना जाए। तो इस तरह हमें चला चला कर देखिए अच्छी तरह से इसे चलाते रहना और पकाते रहना। देखिए, दूसरी तरफ हमारा बघार कितनी अच्छी कलर का रेडी हो गया, ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह का जीरा और लहसुन का बघार ही हमारा रेडी हो गया, ठीक है? अब इसको मैं आपको एक साथ ही सर्व करने के लिए बताऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप लोग अलग अलग प्यालियों में भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही साथ इसे एक ही ट्रे में सर्व किया है, तो आपको जिस तरह ठीक लगता है आप उस तरह सर्व कीजिए। अलग अलग प्यालियों में भी आप सर्व कर सकते हैं और एक साथ भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह हमारा चना जो है बेसन के साथ अच्छी तरीके से पक रहा है, ठीक है? और हाँ दोस्तों, आपको कोथमीर और पुदीना अगर पसंद है, प्याज, कोथमीर, पुदीना, तो वो भी आप इसमें बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं एंड में, ठीक है? तो ये इस तरह से देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चम्मच से बता रही हूँ उठाकर, ये इस तरह गाढ़ा होता जाएगा ये, और मीडियम टू लो आंच पर ही ये पकेगा, बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखिएगा गैस को। तो ये इस तरह आपको खुशबू भी आएगी बेसन की पकने की, और आप चेक कर लीजिएगा बेसन जो है वो पक गया। अगर इस स्टेज पे आपको ऐसा लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है लेकिन बेसन पकानी है, तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये 20 मिनट में स्लो आंच पर पककर कितनी अच्छी तरह बेसन और चना रेडी हो चुका है। ये बम्बई में मिलने वाले मशहूर चना की रेसिपी है, तो ये आप घर पर रेडी कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को भी ये चना मैंने खिलाया है, सबने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से बेसन चना आपको नज़र आना चाहिए, गाढ़ापन जो है वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ठीक है? अब इसको हमने एक डिश आउट कर दिया है, एक बड़ी सी ट्रे में मैंने निकाल लिया है। अब इस पर हम जो है मसाले हम जो है ऐड करेंगे, ठीक है? ये रेडी हो जाएगा, इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मैंने स्टार मसाला पाउडर, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ वीडियो में, आप चेक करिएगा। तो स्टार मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, स्टार मसाले के बिना तो कोई डिश पूरी होती ही नहीं है मेरी, तो वो हम ऐड करेंगे इसमें अभी। इसके बाद हम रेड चिली पाउडर जो है वो ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए, इमली और कोकम का जो हमने पानी बनाकर रखा था मिक्सचर,
वो अब हम इसमें खटाई के हिसाब से ऐड करेंगे। आप जितना खट्टा पसंद करते हैं उतना ही ऐड कर लीजिएगा। आप ज़्यादा एक साथ बना रहे हो तो ज़्यादा ऐड मत करना। जब आप सर्व कर रहे हैं तो जिसको भी चाहिए अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा खट्टा हम लोग पसंद करते हैं तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है, ठीक है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम ज़ीरा और लहसुन का जो भगार था हमारा वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल भगार है, ये ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स करके चम्मच से अच्छी तरह खाते वक्त आपको अच्छी तरह मिक्स करके खाना पड़ेगा वरना चीज़ें मिक्स नहीं होगी। तो ये तो ऐसे ही रेडी होता है और फिर जब हम खाते हैं तब इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर खाते हैं तो सारे मसाले जो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। देखिए बहुत ही यम्मी चना मसाला, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बेसन वाला चना हमारा रेडी है। रेसिपी को ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको रेसिपीज कैसी लग रही है और नोटिफिकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए यम्मी सा चना, बेसन वाला चना।